हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे अपने अपने घरों में और अपने अपने वर्कआउट्स कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेडलिफ्ट्स के बारे में, लाइक हाउ आई प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन माय डेडलिफ्ट्स, बिकॉज विथ प्रॉपर वन ईयर ऑफ ट्रेनिंग आई हैव रीच 232 किलोज ऑफ डेडलिफ्ट। सो ये एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि आई वुड रीच 160 फॉर 2 or 3 रेप्स बाय द एंड ऑफ 2020, बट मैंने इस साल ये कुछ दिन पहले 230 किलो हिट किया, 232 किलो। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले एंड मैं पर्सनली भी काफ़ी खुश हूँ कि आई हैव डन 232 किलो डेडलिफ्ट्स, क्योंकि 200 किलो डेडलिफ्ट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात था। आई नेवर थॉट दैट आई वुड रीच 200। मैंने सोचा था अपने थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आई वुड रीच 200 किलो डेडलिफ्ट, बट आई डिड 200 फॉर 8 रेप्स एंड 232 फॉर 1 रेप, 220 फॉर 2 रेप्स। सो ये सब मेरे अचीवमेंट्स हैं। अगर आप लोगों को 232 किलो का डेडलिफ्ट देखना है तो ये रहा वीडियो। सो आज मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे अपने डेडलिफ्ट को इंक्रीज़ किया है, क्योंकि जो मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो अपलोड किया था उसमें एक क्लिप डाला था मैंने अपने डेडलिफ्ट के वीडियो के बारे में। सो जो मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाला था, जो मुझे सबसे कमेंट्स आए कि जो डेडलिफ्ट के बारे में ही है, ट्रांसफॉर्मेशन में जितने कॉम्प्लीमेंट्स थे, जितने लोगों ने डाइट के बारे में पूछा वो सब था, बट जो एक्सरसाइज के बारे में लोगों ने मोस्टली कहा तो वो था डेडलिफ्ट, कि फॉर्म ठीक कर, उसके बाद सपोर्ट मत ले डेडलिफ्ट में, क्योंकि वो शायद कितना वेट था, 140 किलोस था, वो भी मैंने 2-3 रेप के लिए परफॉर्म किया था, वो भी मेरे जो ट्रेनर है जिम में उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया था। सो दैट्स वाई वो जो डेडलिफ्ट के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि डेडलिफ्ट ठीक कर, सो वो मुझे पर्सनली काफ़ी बुरा लगा। सो मेरे डेडलिफ्ट का कुछ ऐसा रहा है, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में, फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग मैं 70 किलोस मैक्स कर रहा था, उसके बाद मैंने जब अपने छत पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया तो देन आई रीच 100 किलोस फॉर 1 रेप। वो जून जुलाई कुछ लॉकडाउन के टाइम पे था, जिस समय जिम बंद थे मैं अपने छत पे ट्रेन करता था, एंड नाउ विथ वन ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड अक्टूबर में आई वाज 130 फॉर 2 रेप्स, 140 फॉर 1 रेप, एकदम स्टार्टिंग में अगर परफॉर्म करता हूँ बैक डे के स्टार्टिंग में अगर मैं डेडलिफ्ट कर रहा था तो आई कुड डू 140 फॉर 1 रेप। सो वो अक्टूबर से लेके अभी जून तक आई हैव रीच्ड 232 किलो। सो ये काफ़ी एक अच्छा मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैंने कभी नहीं सोचा था आई वुड रीच 232 किलोस। सो मैंने ये जगह तक इतने जल्दी पहुंचने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, जो चीज़ मैं करता था वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ कैन यू प्रोग्रेस योर डेडलिफ्ट ड्रास्टिकली। सो ये वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा। सो बिना कोई देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पार्थिव एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया था वो था वॉल्यूम वर्क एंड स्पीड वर्क। वॉल्यूम वर्क से मेरा क्या मतलब है, वॉल्यूम वर्क जो रेप रेंज होता है वॉल्यूम वर्क का, वो होता है 3-6 रेप। इसमें आप काम करते हो अपने 1 रेप मैक्स के 70-80% रेंज में और ट्राई करते हो 3-5 रेप्स, 6 रेप्स। पर्सनली आई गो फॉर आइदर 2 रेप्स और 3 रेप्स और 5 रेप्स। ये मेरा पर्सनली अप्रोच होता है डेडलिफ्ट के लिए, वॉल्यूम वर्क के लिए। एंड अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड वर्क के बारे में, स्पीड वर्क में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अबाउट 40-60% वेट लेते हैं एंड हम लोग ट्राई करते हैं बार को अपने ऊपर तक, अपर जो मोशन होता है डेडलिफ्ट को, उसको कम से कम टाइम में अचीव करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक्सप्लोसिवनेस होगा आपके अंदर, तो वो डेवलप करने में ये हेल्प होता है। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 70%, 80%, 60%, 40% जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये इसको कैसे निकालना है। सो इसके लिए आपको फाइंड करना है अपना 1 रेप मैक्स। 1 रेप मैक्स आपको अपना पता नहीं तो आप एक एब्रीविएशन लगाइए कि मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ शायद। तो उसके बाद ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर पे जाके आप अपना एंटर कीजिए जितना अपना 1 रेप मैक्स है, तो ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आप कहाँ कहाँ कितने रेप कौन से वेट पे परफॉर्म कर सकते हो, कौन सा 70% है, कौन सा 80% है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 1 by 1। सो ये मैं यूज़ करता हूँ अभी भी। सो दिस इज़ वॉल्यूम वर्क एंड स्पीड वर्क। सो ये दोनों चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हर रोज़ 1 रेप मैक्स परफॉर्म करने जाओगे तो इट्स नॉट एन ऑप्टिमल वे। आपको हर वर्कआउट में ट्राई नहीं करना है कि आई हैव टू पुल द मैक्सिमम वेट,
क्योंकि दिस इज नॉट द ऑप्टिमल, आपको मैक्सिमम वेट पे फोकस नहीं देना। आइदर आप सिलेक्ट कीजिए हफ्ते में एक दिन वॉल्यूम वर्क करेंगे हफ्ते में और एक दिन स्पीड वर्क करेंगे। सो ये मेरा पर्सनल अप्रोच होता है, वन डे वॉल्यूम वर्क, वन डे स्पीड वर्क। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैंने लास्ट पॉइंट पर एड्रेस किया था थोड़ा सा, वो है कि टेस्टिंग वन रेप मैक्स डेली। मैं जिम में जाता था लाइक मैं हर रोज़, आपने जिस दिन भी डेडलिफ्ट होता था आई ऑलवेज ट्राई टू पुश टू द मैक्सिमम, जितना मेरा कैपेसिटी होता था 130-140 मैं सारे प्लेट्स लगा के कहता था कि सपोर्ट देके मैं आई विल परफॉर्म मैक्स डेली। सो वो एक गलत अप्रोच है, आपको वन रेप मैक्स डेली नहीं टेस्ट करना है, यू हैव टू टेस्ट वन रेप मैक्स बिटवीन 4 to 6 weeks। 4 to 6 weeks आप ट्रेन कीजिए वॉल्यूम वर्क स्पीड वर्क, वॉल्यूम वर्क स्पीड वर्क, स्क्वाट्स पे काम कीजिए, दूसरे एक्सेसरी मूवमेंट्स पे काम कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन यू हैव टू गो फॉर 4 to 6 months के बाद आपको अपना वन रेप मैक्स ट्राई करना है। सो पर्सनली कभी मैंने अपना वन रेप मैक्स टेस्ट नहीं किया। सो जो मैंने 232 किलो का डेडलिफ्ट किया था, वॉट एवर 232 और 230, सो जो भी डेडलिफ्ट किया था वो था शायद मैंने स्टार्टिंग किया था 100 किलो फॉर 5 रेप्स, देन 140 फॉर 5 रेप्स, देन 180 फॉर 5 रेप्स, देन 200 फॉर 5 रेप्स, उसके बाद मैं 230 फॉर 1 रेप किया था। सो ये प्रॉपर वन रेप मैक्स टेस्ट करने का टेक्निक नहीं है, मुझे भी पता है। सो आई होप माई वन रेप मैक्स इज मोर देन 230, वो मैं टेस्ट करूँगा कुछ दिनों के बाद, लाइक मेरा बर्थडे है तब मैं बर्थडे के कुछ थोड़ा पहले टेस्ट करूँगा, क्योंकि इट्स अ गोल फॉर मी, आई सेट अ गोल दैट आई विल डेडलिफ्ट 250 बिफोर टर्निंग 19। सो इट्स अ पर्सनल गोल फॉर मी, सो आई वॉन्ट टू अचीव इट। सो ये तो हो गया हमारा वन रेप मैक्स का पॉइंट। अभी जो थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है कि इम्प्रूविंग ऑन एक्सेसरी मूवमेंट्स। एक्सेसरी मूवमेंट से मेरा मतलब है डेडलिफ्ट को छोड़ के लाइक कंपाउंड मूवमेंट, जो बेंट ओवर रोइंग है। बेंट ओवर रोइंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पर्सनली मैं जैसे अपने बेंट ओवर रोइंग में थोड़ा सा प्रोग्रेस करता था, आई यूज टू सी लाइक 5 किलो में ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहा था, या फिर माई स्ट्रेंथ हैज गॉन अप और माई फॉर्म हैज गॉटन बेटर। सो ये जो चीज़ है आपको अपने एक्सेसरी मूवमेंट्स पे इम्प्रूव करने हैं, लाइक स्क्वाट्स एंड बेंट ओवर रोइंग, ये जो चीज़ पे अगर आप इम्प्रूव करोगे तो स्क्वाट्स जो है ये भी आपके बहुत एक मतलब कंपाउंड मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सो जब आपके बॉडी के हर एक चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ड्रास्टिकली आपका जो डेडलिफ्ट है वो भी सीरियली इंक्रीज होते रहेगा। सो ये जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है मैंने इसको कभी भी लाइक ऐसा नहीं सोचा था कि इसमें मुझे कुछ बड़ा नंबर हिट करना है, आई हैव टू प्रोग्रेस इन इट बहुत जल्दी, बट मुझे ऐसा डिसाइड किया मैंने जब मैंने अक्टूबर में वीडियो अपलोड किया था अक्टूबर 7 को, उसके बाद नवंबर तक उसमें थोड़ा बहुत रीच आया और उसमें जो भी कमेंट्स आए थे डेडलिफ्ट के बारे में ही आए रहे थे और बाकी सब जितने भी दूसरे टाइप के कमेंट्स डाइट वगैरह के बारे में वो सब आ रहे थे। सो वो देखने के बाद मुझे लगा कि ना आई नीड टू प्रोग्रेस रिग्रेसिवली ऑन माई कंपाउंड लिफ्ट। सो मैंने डेडलिफ्ट स्क्वाट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया एंड बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट स्क्वाट बेंच प्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया। सो देन अक्टूबर में 140 से लेके जून के 232 तक मैं यहाँ पे पहुँचा। सो अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग योर लोअर बैक स्ट्रॉन्ग। लोअर बैक को स्पेसिफिकली ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेडलिफ्ट है डेडलिफ्ट में आपका जो मतलब मेन बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आपके लोअर बैक के ऊपर, और जब मोस्ट इंजरी केसेस होते हैं लोअर बैक पेन होता है। सो आपने सुना होगा लोअर बैक में मेरा भी काफ़ी पेन रह चुका है। लोअर बैक पेन होने का कारण है कि डेडलिफ्ट का इम्प्रॉपर फॉर्म होना। सो लोअर बैक को स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेन करेंगे, लोअर बैक स्ट्रेंथन होगा तो आप मोर वेट भी पुश कर पाएंगे। सो लोअर बैक ट्रेन करने का, लोअर बैक ट्रेन करने का जो मेरा मतलब फेवरेट एक्सरसाइज है वो है एक्सटेंशंस, बैक एक्सटेंशन। सो ये जो एक्सरसाइज ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको परफॉर्म करता हूँ हफ्ते में हर डेडलिफ्ट सेशन के, हर बैक सेशन के लास्ट में एकदम परफॉर्म करता हूँ मैं ये एक्सरसाइज को, और इसके मैं 3 to 12 रेपिटेशन लगाता हूँ, 3 to 10 रेपिटेशन जिस दिन जैसा मन करे। सो एक दिन मैं इसमें थोड़ा सा हैवी ट्रेन करता हूँ, एक दिन इसमें एकदम लाइट ट्रेन करता हूँ, रेपिटेशन ज़्यादा करता हूँ। सो हैवी ट्रेन करने के दिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पीठ के ऊपर बारबेल या फिर 10-10 किलो के प्लेट्स लगा लेता हूँ, एंड जो लाइट वर्क होता है उसमें कुछ नहीं चाहिए होता, उसमें मैं डायरेक्टली बस ऐसे चेस्ट पे अपने हाथ को रख के बस बैक को उठाना है। तो ये बहुत मतलब ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे जो अगर आपके लोअर बैक में पेन भी होगा तो वो पेन भी गायब हो जाता है इस एक्सरसाइज से। तो ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, ये आपके लोअर बैक जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा आप डेडलिफ्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। सो मैं इस एक्सरसाइज पे जितना मैं इसे परफॉर्म करता हूँ मुझे और अच्छा लगता है कि लाइक ये एक्सरसाइज बहुत काम का, ये एक्सरसाइज को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए, इसको परफॉर्म कीजिए, आपका लोअर बैक मतलब आप स्पेसिफिकली लोअर बैक को ट्रेन करेंगे तो आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगा। और जो दूसरा एक्सरसाइज मैं लोअर बैक के लिए परफॉर्म करता हूँ उसको मैं कहता हूँ सुपरमैन होल्ड। सो ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने देखा था द रॉक जो है उनको परफॉर्म करते उनके एक वीडियो में, सो उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। सो इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, आप कोई भी जगह पे लेट जाते हो, उसके बाद सुपरमैन पोजीशन में आपको अपने लेग्स भी उठा लेने हैं और अपने अपर बॉडी भी उठा लेना है, जो आपका टच में रहेगा वो मैक्सिमम ट्राई करना है, आपका बस
लोअर बैक जो पोर्शन है वो एरिया ही जमीन के साथ टच में रहे और बाकी जो आपका बॉडी होगा वो एयर में होगा। और ट्राई करना है कि इसको मैक्स टू मैक्स आप होल्ड करें। सो इससे क्या होगा, आपका लोअर बैक स्पेसिफिकली टारगेट होगा। लाइक दिस एक्सरसाइजेस आर ऑसम अगर आपके लोअर बैक में पेन है, अगर आपने डेडलिफ्ट किया कुछ किया उसके बाद आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो आप ये दो एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग कंटिन्यूसली आप ये एक्सटेंशन और सुपरमैन होल्ड ट्राई कीजिए, आपको श्योरली लोअर बैक पेन से रिलीफ मिलेगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फोकसिंग ऑन ब्रेथ। आप जो सांस लेते हो आपके अपने मतलब पुश करना है, जो आप ब्रीदिंग टेक्निक है आपका उसको इम्प्रूव करने के लिए। ब्रीदिंग टेक्निक इम्प्रूव करने का मतलब है कि जो आप एयर ब्लॉक करते हो, सांस अंदर लेके पूरा अपने जो पेट पे स्टोर करते हो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको इम्प्रूव करना है। आप ट्राई कीजिए बेल्टलेस डेडलिफ्ट करने का, बेल्टलेस डेडलिफ्ट ट्राई कीजिए। लाइट वेट पे ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को फिक्स कीजिएगा ना। सो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न पहली बार सही से ब्रीथ नहीं किया, इसलिए वेट में पुश नहीं कर पुल नहीं कर पाया। बट जैसे ही मैंने प्रॉपर ब्रीथ करके पुल किया वेट को, तो मैंने वेट पुल कर लिया। सो इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस अंदर लेके रोकने का क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उसको प्रैक्टिस करना है। सो अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब एक थोड़ा कुछ लोग एग्री भी करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे। सो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों को कहा जाता है फॉर्म ओवर वेट। हाँ, ये एकदम एक्यूरेट चीज़ है। आपको हमेशा अपना फॉर्म परफेक्ट करके ही आपको वेट पुश करना चाहिए। बट अगर आप मतलब एक फॉर्म के दायरे में रह जाओगे, लाइक मुझे फॉर्म ठीक रखना है, मुझे अपना फॉर्म 100% हर बार ठीक रखना है, तो अपने आपको आप पुश नहीं कर पाओगे। सो मैं इसके लिए पर्सनली क्या करता हूँ, मैं जैसे ही एक डेडलिफ्ट ट्राई किया उस पर मेरा फॉर्म 100% एक्यूरेट नहीं था, बट मैंने परफॉर्म कर लिया उसको। सो नेक्स्ट दिन मैं ट्राई करूँगा उसी वेट पे अपना जो फॉर्म है उसको प्रॉपर करने के लिए। सो इसका मतलब है कि लाइक अगर मैं 180 से 3 रेप्स परफॉर्म कर रहा था, 2 रेप्स मेरा बहुत अच्छे से हो गया, थर्ड रेप उतना अच्छा फॉर्म नहीं था थर्ड रेप पे, तो मैं क्या करूँगा, सो नेक्स्ट डे ट्राई करूँगा जिस दिन वॉल्यूम वर्क होगा मेरे 180 पे थर्ड जो रेप था उसको भी एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए। सो आपको जो एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, लाइक आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा भी ना बिगड़े और मतलब आप अपने आप को पुश भी ना कर रहे हो ऐसा भी ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचें अगर हम लोग, तो लाइक फर्स्ट डे आप जब मतलब कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हो आपके बॉडी से ज़्यादा आपको मेन सर में रहता है कि लाइक इसमें 200 किलोज मैंने पहले कभी किया नहीं। सो जब आप एक बार 200 किलो लिफ्ट कर लेते हो ना, सो जो आपका मेंटल प्रिपरेशन जो होता है, आपका ब्रेन मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है 200 किलो मैं पहले दिन कर चुका हूँ। सो इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आपका 100% एक्यूरेट फॉर्म के साथ आप हर बार लिफ्ट करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत फॉर्म बिगड़ेगा, बट आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है जिससे आप इंजरी भी ना करो अपने आपको लोअर बैक पे, मतलब एकदम ऐसे करके डेडलिफ्ट कर रहे हो। दर्द के काबिल बना दिया तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की। तो लाइक वो करना ही नहीं है, थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ेगा, यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट और अपने आप को पुश भी करना होगा। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू परफॉर्म डेडलिफ्ट्स विद 100% एक्यूरेट फॉर्म। अगर मैं आज तक 100% एक्यूरेट फॉर्म के साथ कर रहा होता, सो आई वुड हैव रीच्ड 180, 200 भी मैं नहीं कर पाता। सो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट। सो वो स्वीट स्पॉट आपके मतलब वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है, सो यू हैव टू फाइंड दैट। एक जो गलती है और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं करता था, कि मैं डेडलिफ्ट हमेशा वेट इंक्रीज करता था लाइक 130, 135, 140 डायरेक्ट 10 किलोज में जंप करता था। सो आई यूज टू प्लेट 5 किलोज प्लेट या फिर मैं डायरेक्ट 120 से 140 जंप कर रहा हूँ। सो जब आप प्रोग्रेस करने का ट्राई कर रहे हो, वॉल्यूम वर्क कर रहे हो, आपको क्या ट्राई करना है, डू नॉट इग्नोर द 2.5 किलो प्लेट। सो मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, आइदर 5 किलोज इंक्रीज कर रहे हैं, 5 किलोज का प्लेट लगा दिया, या फिर 10 किलोज का। 10 किलोज तो करना ही नहीं है, लाइक आप परफॉर्म खुद ही नहीं कर पाओगे अगर आप अपने आपको सही से पुश कर रहे हो। तो जो 2.5 किलो का प्लेट है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2.5 किलो मतलब यही जो चीज़ है, ये छोटा छोटा दिस स्मॉल स्टेप्स काउंट। जो आप स्मॉल स्टेप 2.5 करके आप जब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करोगे ना, तो अगर आप 2.5 फोर टाइम्स मतलब इंक्रीज कर पाए, तो आपका जो डेडलिफ्ट है वो 10 किलोस बढ़ गया। मैक्सिमम लोग 5 किलो या फिर 10 किलोस प्लेट लगाते हैं। सो मैंने ये देखा है कि मैं 200 से 230 तक पहुँचा हूँ ऐसे ही,
200 के बाद मैंने जो अपना नेक्स्ट ट्राई किया था 205 बहुत इजीली हो गया था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। उसके बाद मैंने 210 ट्राई किया नेक्स्ट था नेक्स्ट दिन, बट 210 में नहीं पहुंच पाया। सो उसके बाद मैं क्या किया, मैं फिर 2.5 के बाद 2.5 से भी छोटा प्लेट लगाया जो 1 किलो का प्लेट आता है। सो मैंने परफॉर्म किया 207 किलोज का। सो इसीलिए स्मॉल प्लेट्स को इग्नोर करना, ऐसा नहीं कि 2.5 किलो का प्लेट मैक्सिमम जिम में स्मॉलेस्ट होता है, बट मेरे जिम में 1.5 और 1.2 किलो 1 किलो के भी प्लेट्स हैं। तो इसलिए ट्राई करना है छोटा वेट लगा के, जिससे कि वेट भी बढ़े। एंड ये आपको शायद समझ नहीं आएगा कि 200 और 202 किलो में क्या डिफरेंस है, बट आपका बॉडी को समझ आ रहा होगा कि 200 और 200 किलो में 2 किलो में क्या डिफरेंस है। सो अब जो चीज़ की बात करते हैं, अब बात करते हैं डेडलिफ्ट स्टैंसेस के बारे में। स्टैंस से मेरा क्या मतलब है, क्लोज स्टैंस, थोड़ा सा ओपन स्टैंस, कन्वेंशनल और एकदम वाइड, जिसको हम लोग सुमो डेडलिफ्ट कहते हैं जिसको हम लोग। सो ये जो वेरिएंस है, जो क्लोज स्टैंस होता है, क्लोज स्टैंस में मैंने क्या, जब मैं परफॉर्म करता था स्टार्टिंग में क्लोज स्टैंस, सो इसमें ना क्वाड्स बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड होते हैं एंड आपके ग्लूट्स उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते, ग्लूट्स से ज़्यादा ताकत आपके क्वाड्स से लगता है। बट मैंने देखा कि जो थॉर बोर्ड जॉनसन है, उन लोगों का डेडलिफ्ट देखता था मैं, उनके डेडलिफ्ट स्पेशली मैं जब देखता था, वो कन्वेंशनल में थोड़ा सा वाइड रखते थे अपने पैर को, जिससे कि जो ग्लूट एक्टिवेशन है वो ग्लूट एक्टिवेशन ज़्यादा होता था। सो आप ग्लूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्लूट्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी। सो जैसे मैं पैर अपने वाइड करता था, आई कुड ड्रैश मतलब एकदम तुरंत मैं 10-15 किलो ज़्यादा लिफ्ट कर पाता था। और जो लास्ट चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, वो है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल परफॉर्मिंग डेडलिफ्ट्स। सो अगर आप किसी से पूछते हो भाई फॉर्म सही था, तो वो बोलेगा भाई थोड़ा इधर गलती हुआ था, थोड़ा उधर गलती हुआ था, या फिर कहेगा नहीं नहीं भाई फॉर्म सही था। बट आप अपने डेडलिफ्ट्स रिकॉर्ड करो, फिर उनको देखो कि आपके कहाँ गलती हो रहा था, और जो नेक्स्ट टाइम आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे नेक्स्ट सेट में, आप ट्राई करो कि जहाँ पे गलती हुआ था उसी जगह पे फोकस करने के लिए, आप ट्राई करो कि नहीं मुझे वो गलती फिर से नहीं दोहराना है। सो रिकॉर्डिंग योर सेल्फ वाइल परफॉर्मिंग डेडलिफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू करेक्ट योर सेल्फ बाई योर यू ओनली। सो मैं जब से अपने आप को, मैं हर डेडलिफ्ट सेशन में अपने डेडलिफ्ट रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ हाँ जो डेडलिफ्ट मुझे लगता है एकदम परफेक्ट है परफेक्ट रहता है, और जो गलती होता है अगर मैं नेक्स्ट सेट होता है उसमें ट्राई करता हूँ इम्प्रूव करने के लिए, या फिर मैं नेक्स्ट दिन जो मेरा डेडलिफ्ट डे होगा मैं उस दिन ज़रूर उस पर काम करूँगा। सो अगर आप 200 किलो 220 किलो डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो ये हर बंदा नहीं कर सकता है, एवरी जिम गोअर कैन नॉट डू 220 किलो डेडलिफ्ट। सो जब आप कर सकते हो, तो आप क्राउड से थोड़ा अलग स्टैंड करते हो, तो यही चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप ये वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा, और यही ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड आई एम श्योर, एंड ये मेरा पर्सनल गोल है टू डेडलिफ्ट 300 किलोज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड आई विल श्योरली अचीव इट। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना होगा तो कमेंट्स में जाकर कह सकते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ पर्सनल भी कहना होगा तो मैं इंस्टाग्राम का अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप उधर जाके लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आकर मुझसे बात कर सकते हो। मैं जितने भी क्वेरीज होंगा मैक्स टू मैक आपके क्वेरीज सब सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग कीप लिफ्टिंग, बाय।